दिस इज अमित मिश्रा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के बारे में। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन में अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो वो किस तरह का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस लगाता है, आज उसको डिस्कस करेंगे। यह समझने से पहले बेंजीन में रिएक्शन कैसा होता है उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, तो वो मैं समझाता हूं आपको। फर्स्ट फेज में देखिए, ऐसा है कि बेंजीन में 3 pi बॉन्ड्स होते हैं। कैसे होते हैं 3 pi बॉन्ड्स, ये आप डायग्राम में देखिए। वन पाई बॉन्ड, दिस इज सेकेंड पाई बॉन्ड एंड दिस इज थर्ड पाई बॉन्ड। तो बेंजीन रिंग इज सराउंडेड बाय पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अबव एंड बिलो द प्लेन। प्लेन के ऊपर भी और प्लेन के नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं बेंजीन में। देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स बेंजीन रिंग, इसीलिए रिएक्शन के दौरान बेंजीन को अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं, वो अटैक करेंगे बेंजीन को नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होने की वजह से। लाइक दिस, सो लेट अस कंसीडर वाई पॉजिटिव टू बी एन इलेक्ट्रोफाइल। इसे इलेक्ट्रोफाइल मान लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग को, सवाल है किस जगह पर। तो अगर बेंजीन में कोई ग्रुप नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक एनीवेयर, वो कहीं पर भी अटैक कर सकता है बेंजीन रिंग को। इट कैन अटैक दिस पोजीशन, वो इस पोजीशन को भी अटैक कर सकता है, इसको भी अटैक कर सकता है। इट कैन अटैक एनी वन ऑफ द 6 पोजीशंस प्रेजेंट ऑन बेंजीन। तो जब अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, लेट्स से इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग दिस पोजीशन, सो प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी बेंजीन रिंग एंड अबव इट वी हैव वाई, ठीक है। वाई पॉजिटिव उस जगह पर अटैक करेगा, जिस जगह पर वाई पॉजिटिव ने अटैक कराया उस जगह से निकलेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगेन एच पॉजिटिव इज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड देयरफॉर सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से हट रहा है एच पॉजिटिव और उसकी जगह एक नया इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वाई पॉजिटिव। तो इस तरह से रिएक्शन हो। नाउ व्हाट अबाउट डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। अब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। अगर बेंजीन में पहले से ही कोई ग्रुप प्रेजेंट हो, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर एक ग्रुप लगा दिया, ग्रुप कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, इट कुड बी हेलोजन, इट कुड बी एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, कोई सा भी। बेंजीन में अगर कोई ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, यह सवाल। सो लेट अस कंसीडर वाई पॉजिटिव टू बी एन इलेक्ट्रोफाइल। वाई पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रोफाइल मान लेते हैं, कहां अटैक करेगा वो डिसाइड करने का काम करता है ये ग्रुप। सो दिस ग्रुप विल डिसाइड, ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर अटैक करे। ग्रुप के रिस्पेक्ट में दिस कार्बन कैन बी कंसीडर्ड एज नंबर 1 कार्बन, दिस कार्बन कैन बी कंसीडर्ड एज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4, 5 एंड 6। ग्रुप के रिस्पेक्ट में नंबर 2nd पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन, नंबर 3rd पोजीशन इज कॉल्ड मेटा पोजीशन एंड नंबर 4th पोजीशन इज कॉल्ड पैरा पोजीशन। नंबर 3 के बगल में जो नंबर 5 है आप इसे मेटा मान सकते हैं, नंबर 2 के बगल में जो नंबर 6 है आप इसे ऑर्थो पोजीशन भी मान सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल किस जगह पर अटैक करेगा ये डिसाइड करने का काम, उसको डायरेक्शन देने का काम होता है इस ग्रुप का। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन बेंजीन इज कॉल्ड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। इसे कहते हैं हम लोग डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, यानी डायरेक्शन देने की पावर। अब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के बेसिस पर वी डिवाइड ग्रुप इंटू 2 कैटेगरीज। हम ग्रुप को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो रेजोनेंस के दौरान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर,
और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ेगी तो इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो को और पैरा को। इलेक्ट्रोफाइल जिसका चार्ज है पॉजिटिव वो बेंजीन में उसी जगह पर अटैक करता है जहां पर उसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और बेंजीन में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन को अटैक करेगा। एंड सच टाइप ऑफ ग्रुप्स आर कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, जिन्हें हम लोग ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। अब रेजोनेंस के दौरान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्यों बढ़ी वो मैं आपको आगे की वीडियो में इसके मैकेनिज्म में समझाऊंगा। उसी तरह से कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो रेजोनेंस के दौरान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं मेटा पोजीशन पर। दिस नंबर थर्ड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप इज कॉल्ड मेटा पोजीशन। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल विच इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज विल अटैक मेटा पोजीशन, वो मेटा पोजीशन को अटैक करेगा, और ऐसे में ग्रुप को हम कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन सा डायरेक्टिंग? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इस तरह से आप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते। अब सवाल यह है कि कौन कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और कौन से मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल है, मेनली 4-5 एग्जाम्पल्स है कॉमनली जो आप इस्तेमाल करेंगे जो रेगुलर बेसिस पर यूज होते हैं। उनमें से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है अल्काइल ग्रुप्स। जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं मिथाइल इथाइल प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल ब्यूटाइल ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। अल्काइल ग्रुप के अलावा अल्काइल ग्रुप कैन बी इंडिकेटेड बाय द सिंबल आर। अल्काइल ग्रुप के अलावा एल्कोक्सी ग्रुप्स ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। हैलोजन्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आर ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन के ऊपर जब OH ग्रुप प्रेजेंट होता है फिनॉल यानी दैट इज ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। NH2 ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, यस आई एम टॉकिंग अबाउट एनिलीन, इट इज ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। सो दीज आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं विच यू शुड नो। एग्जाम्पल याद करना आसान है, ऑल फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन एटम्स, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें कार्बन होता है, फॉर एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, एसिड क्लोराइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, दिस ऑल आर मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो याद रखना भी आसान है, जितने फंक्शनल ग्रुप जिनमें भी कार्बन एटम है दे आर मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। ओके, उनके अलावा NO2 ग्रुप एंड SO3H ग्रुप, NO2 ग्रुप और SO3H ग्रुप भी मेटा डायरेक्टिंग होते हैं नेचर में। तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, इनका काम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेटा पोजीशन पर बढ़ाना। अब हम ये देखेंगे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स अगर बेंजीन में प्रेजेंट हो तो फिर रिएक्शन कैसे करवाएं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में बेंजीन में हेलोजन को कैसे जोड़ना है उसका तरीका बहुत सिंपल है। हेलोजन बेंजीन को तब अटैक करेगा जब हेलोजन पर होगा पॉजिटिव चार्ज, यानी वो काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। हेलोजन इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर्स। सोर्स के तौर पर हम लेंगे X2 यानी हेलोजन, हेलोजन का मॉलिक्यूल। यू कैन आइदर टेक Cl2 और Br2। F2 और I2 को डायरेक्टली एड नहीं करना है, उसका रीजन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो हेलोजनेशन में Cl2 और Br2 को हम लोग लेते हैं, लेकिन हेलोजन तभी बेंजीन को अटैक करेगा जब साथ में हेलोजन कैरियर्स है। हेलोजन कैरियर का क्या काम होता है वो मैं आपको मैकेनिज्म में आगे समझाऊंगा,
लेकिन फिलहाल हमारा टारगेट है रिएक्शन कैसे कंप्लीट करना है वो समझ लो। तो हेलोजन को जब भी आपको बेंजीन से अटैक करवाना हो एरो के ऊपर हेलोजन कैरियर लिखना ना भूले। हेलोजन कैरियर के तीन प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स है, वन एग्जाम्पल इज एनहाइड्रस AlCl3 और यू कैन टेक एनहाइड्रस FeCl3 और यू कैन टेक एनहाइड्रस FeBl3। इन तीनों में से कोई भी एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं हेलोजन कैरियर के तौर पर। तो अब इनके प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Cl पॉजिटिव, Cl2 अगर ले रहा है हेलोजन तो इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा वह है Cl पॉजिटिव। Cl पॉजिटिव को हम कहते हैं क्लोरोनियम आयन, Cl नेगेटिव इज कॉल्ड क्लोराइड आयन एंड Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन। Br नेगेटिव इज ब्रोमाइड आयन एंड Br पॉजिटिव इज ब्रोमोनियम आयन। अब ये क्लोरोनियम और ब्रोमोनियम आयन कैसे बनते हैं वो हम मैकेनिज्म में आगे के वीडियोस में देखेंगे। यहां पर जब रिएक्शन होगा तो मैंने दो रिएक्शन लिए आपको समझाने के लिए। पहले रिएक्शन में आई हैव टेकन टॉल्विन, टॉल्विन यानी बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जैसा हमने डिस्कस करा। इट विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। जो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Cl पॉजिटिव वो एक बार अटैक करेगा ऑर्थो और एक बार अटैक करेगा पैरा पोजिशन। और यहां पर हमारे पास मिक्सचर बनेगा दो प्रोडक्ट्स का, वन इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एंड अनदर इज पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। कैसे बनेगा देखिए, बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप एज इट इज है उसका कॉन्सेप्ट डायरेक्शन देने का। एक बार Cl आएगा ऑर्थो पर, और एक बार Cl आएगा पैरा पोजिशन। जिस जगह Cl अटैक कर रहा है बेंजीन में उस जगह से हटता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोफाइल है वो हटेगा उसकी जगह Cl पॉजिटिव आएगा। देयरफॉर दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इनको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, वो हाइड्रोजन बचे हुए Cl के साथ HCl बनाकर बाहर हो जाता है, उसे आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ Cl2 विद नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में बेंजीन के साथ जो NO2 ग्रुप है एज यू नो दैट इट इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है जैसा हम जानते हैं। तो इट विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजिशन। इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव विल अटैक मेटा पोजिशन, की मेटा पोजिशन को अटैक करेगा एंड प्रोडक्ट फॉर्म विल बी बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 ग्रुप प्रेजेंट इज डायरेक्शन देने के लिए और मेटा पोजिशन पर आ जाएगा Cl। जिस जगह पर Cl आएगा उस जगह से हटेगा हाइड्रोजन, वो बचे हुए Cl के साथ HCl बनाकर भरो, और इस तरह से आप रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है टॉल्विन यानी बेंजीन के साथ अल्काइल ग्रुप और नाइट्रोबेंजीन का। इसके अलावा आप वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल से इन रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, प्रोसेस यही रहेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोजनेशन के अलावा नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन विच इज ऑल्सो नोन एज फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसिटाइलेशन विच इज ऑल्सो नोन एज फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन जैसी चीजें भी, जिन्हें हम लोग आने वाले अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा उनके बारे में डिटेल। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। जय हिंद।